वेलकम टू शिक्षा विद्या निकेतन टुडेज टॉपिक प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस सेट 5.4 क्वेश्चन नंबर वन इफ़ टू कॉइंस आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स यानी कि हमें दो कॉइन को टॉस करना है और जो भी सैंपल स्पेस जनरेट होगा वो लिखना है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें इवेंट्स के हिसाब से लिखनी है फर्स्ट इवेंट हमारा है गेटिंग एट लीस्ट वन हेड यानी कि कम से कम एक हेड तो चाहिए उससे ऊपर हुआ तो भी चलेगा सेकेंड इवेंट गेटिंग नो हेड यानी कि हमें एक भी हेड नहीं चाहिए एक हेड आया तो भी नहीं चाहिए दो हेड आया तो भी नहीं चाहिए यानी कि सब टेल चाहिए टू कॉइन को टॉस करने के बाद जो हमें सैंपल स्पेस मिलता है उसको हम एस इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे जैसे कि एच 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 टी टी एच टी टी टोटल फोर पॉसिबिलिटी है इसलिए हमने एन इन द ब्रैकेट एस इक्वल्स टू फोर लिखा हुआ है जैसा कि हमारे फर्स्ट इवेंट में मेंशन हुआ था कि एटलीस्ट वन हेड चाहिए इसलिए यहाँ पर ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट के अंदर एच 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 टी टी एच टोटल थ्री पॉसिबिलिटी है इसलिए एन इन द ब्रैकेट एक्वल्स टू थ्री नाउ पी इन द ब्रैकेट ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए का जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है तो ये एन इन द ब्रैकेट ए का मतलब था नंबर ऑफ ए पॉसिबिलिटी जितने भी ए इवेंट की थी वो टोटल थ्री पॉसिबिलिटी थी इसलिए एन ए के जगह पे थ्री और एन इन द ब्रैकेट एस मतलब सैम्पल स्पेस का टोटल नंबर तो वो फोर था इसलिए यहाँ पर एन इन द ब्रैकेट एस के जगह पे फोर आया है थ्री अपॉन फोर सेकेंड इवेंट हमारा था नो हेड यानी कि हमें एक भी हेड नहीं चाहिए तो हमारे सैंपल स्पेस में ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है टी टी इसलिए हमने बी इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट टी टी लिखा हुआ है तो टोटल एक ही पॉसिबिलिटी है इसलिए एन इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू वन बी इन द ब्रैकेट बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो मेंशन करना है तो पी इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट बी अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस यानी कि बी का टोटल पॉसिबिलिटी वन एस का टोटल पॉसिबिलिटी फोर तो वन अपॉन फोर ये बी का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू इफ टू डाइज आर रोल्ड सिमल्टनिसले यानी कि दो डाइज को हमको थ्रो करना है रोल करना है फाइंड द प्रबिलिटी ऑफ़ द फॉलोइंग इवेंट्स तो ये इवेंट्स में कुछ कंडीशन दिया हुआ है उनको देखना है और उस हिसाब से उसका एंसर फाइंड आउट करना है फर्स्ट इवेंट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट टेन एटलीस्ट टेन का मतलब है जो दोनों डायरेक्ट हमने रोल किया है उस पर जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों का एडिशन करना है वो कम से कम टेन होना चाहिए नहीं तो टेन से अबो होना चाहिए सेकेंड इवेंट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज़ थर्टी थ्री यानी कि जो दो डाइस हमने रोल किया है वो दोनों का वैल्यू का एडिशन थर्टी थ्री होना चाहिए टोटल थर्ड इवेंट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज़ ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई यानी कि जो दो डाई हमने रोल किया था वो फर्स्ट वाले डाई का जो नंबर है वो सेकेंड वाले से ग्रेटर होना चाहिए वो सारी पॉसिबिलिटी इवेंट थर्ड में आएगी टू डाइज रोल करने के बाद हमें जो सैम्पल स्पेस मिलेगा वो कुछ इस तरह रहेगा इसमें टोटल थर्टी सिक्स पॉसिबिलिटी रहती है यानी कि तुम्हें जब भी कोई टू डाइस रोल का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये वैल्यू डायरेक्टली लिख देना है ये वैल्यू फिक्स्ड है इसलिए इसे सब लोग लर्न कर लेना फर्स्ट इवेंट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट टेन यानी कि जो हमारा फर्स्ट इवेंट था कम से कम टेन नहीं तो टेन से ज़्यादा चलेगा इसलिए हमारे पास टोटल सिक्स पॉसिबिलिटी है हमारे सैम्पल स्पेस से इक्वल्स टू इन द करल ब्रैकेट फोर सिक्स फाइव 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 सिक्स सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स टोटल सिक्स है इसलिए एन इन द ब्रैकेट एक्ल्स टू सिक्स इसके बाद हमें ए का प्रबलिटी निकालना है इसलिए पी इन द ब्रैकेट एक्वल्स टू एन ए अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस एन इन द ब्रैकेट ए का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जो a में थी वो सिक्स इसलिए एन ए की जगह पे सिक्स एन इन द रेगड एस मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो थर्टी सिक्स था सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स बट हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं सिक्स वन जिक्स सिक्स जो थर्टी सिक्स इसलिए वन अपॉन सिक्स फाइनल आंसर रहेगा एज पर सेकेंड इवेंट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज थर्टी थ्री जैसे कि दोनों डाई के वैल्यू को ऐड करने के बाद थर्टी थ्री आना चाहिए तो हमारे सैम्पल स्पेस के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सिक्स सिक्स है और दोनों का एडिशन ट्वेल्व होता है इसलिए थर्टी थ्री आ ही नहीं सकता सो बी इक्वल्स टू इन द करले ब्रैकेट हम कुछ नहीं लिखेंगे न इसलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जीरो होगी एन इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू ज़ीरो उसके बाद हम बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट बी अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस बी का टोटल पॉसिबिलिटी ज़ीरो और सैम्पल स्पेस का टोटल पॉसिबिलिटी थर्टी सिक्स ज़ीरो पॉइंट थर्टी सिक्स का मतलब जीरो ही होगा थर्ड इवेंट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज़ ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाय यानी कि जो फर्स्ट डाई का वैल्यू है वह सेकेंड डाई के वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए ऐसे टोटल फिफ्टीन पॉसिबिलिटी है हमारे पास सैम्पल स्पेस में इसलिए c इक्वल्स टू इन द दर्ली ब्रैकेट टू वन थ्री वन थ्री टू फोर वन फोर टू फोर थ्री फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव टोटल फिफ्टीन था इसलिए एन इन द ब्रैकेट सी इक्वल्स टू फिफ्टीन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इसलिए पी इन द ब्रैकेट सी इक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट सी अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ सी फिफ्टीन टोटल सैम्पल स्पेस थर्टी सिक्स फिफ्टीन अपॉन थर्टी सिक्स इसको हम फैक्टराइज़ करेंगे तो हमारे पास फाइव अपॉन ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री देर आर फिफ्टीन टिकट्स इन अ बॉक्स ईच ब्यूरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम वन टू फिफ्टीन यानी कि एक बॉक्स में टोटल फिफ्टीन टिकट्स है हर एक टिकट पे नंबर लिखा हुआ है वन टू फिफ्टीन कोई भी हो सकता है वन टिकट इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स हमें उस बॉक्स में से कोई भी एक टिकट निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी इवेंट के हिसाब से बताइए फ़र्स्ट इवेंट शोज़ एंड इवेंट नंबर यानी कि वन टू फिफ्टीन जो भी इवेंट नंबर होंगे वो फर्स्ट इवेंट में आ जाएंगे सेकेंड इवेंट शोज़ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ़ फाइव सेकेंड इवेंट में जो भी फाइव का मल्टीपल होगा यानी कि फाइव के टेबल से जैसा फाइव वन ज फाइव फाइव टू ज टेन फाइव थ्री ज फिफ्टीन उसके बाद हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास टोटल फिफ्टीन नंबर ही है और फिफ्टीन सब है ही नहीं इसलिए फाइव टेन फिफ्टीन ये हमारा सेकेंड इवेंट में आएगा चलो आंसर को समझते हैं सैंपल स्पेस हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टोटल फिफ्टीन था इसलिए एन इन द ब्रैकेट एस इक्वल्स टू फिफ्टीन फर्स्ट इवेंट हमारा क्या था कि इवेंट नंबर होना चाहिए इसलिए ए इक्वल्स टू इन द करले ब्रैकेट टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोरटीन टोटल सेवन पॉसिबिलिटी है एवन नंबर के इसलिए एन इन द ब्रैकेट ए इक्वल्स टू सेवन इसका प्रोबेबिलिटी होगा पी इन द ब्रैकेट एक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट ए अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस इक्वल्स टू सेवन अपॉन फिफ्टीन ए का सेवन था एस का फिफ्टीन था इसलिए सेवन अपॉन फिफ्टीन इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते इसलिए हमारा यही फाइनल आंसर है सेकेंड इवेंट के हिसाब से हमें मल्टीपल फाइव चाहिए था इसलिए बी टू इन द कर ब्रैकेट फाइव टेन फिफ्टीन टोटल थ्री पॉसिबिलिटी इसलिए एन इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू थ्री लिखेंगे उसके बाद हम बी का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट बी अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस बी का टोटल पॉसिबिलिटी थ्री एस का टोटल नंबर फिफ्टीन इसलिए थ्री अपॉन फिफ्टीन थ्री अपॉन फिफ्टीन को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं दोनों ही थ्री के टेबल में आते हैं इसलिए थ्री वन ज थ्री थ्री फाइव जो फिफ्टीन सो फाइनल आंसर वन पॉइंट फाइव होगा सो पी इन द द्रैकेट बी एक फाइव क्वेश्चन नंबर फोर अ टू डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड विद डिजिट्स टू थ्री फाइव सेवन नाइन विदाउट रिपीटेशन यानी कि हमें टू डिजिट नंबर जनरेट करने हैं लेकिन विदाउट रिपीटेशन अब विदाउट रिपिटेशन का मतलब क्या है ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फिफ्टी फाइव सेवेंटी सेवन नाइन्टी नाइन ये अलाउड नहीं है वट इज़ द प्रोबेबलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज़ तो वो सैम्पल स्पेस हमें जनरेट करना है जो भी पॉसिबिलिटी होगी फर्स्ट इवेंट एंड ऑर्ड नंबर फर्स्ट इवेंट में हमारा जो भी ऑर्ड नंबर रहेगा वो सब लिखना है सेकेंड इवेंट और मल्टीपल ऑफ फाइव यानी कि जो भी फाइव का मल्टीपल होगा या फाइव के टेबल में आता होगा वो हमें इवेंट टू में लिखना है तो हमारा टू डिजिट का सैंपल स्पेस कुछ इस तरह होगा एस इक्वल्स टू इन दर्ली ब्रैकेट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन थर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी सेवन थर्टी नाइन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री टोटल ट्वेंटी पॉसिबिलिटी इसलिए एन इन द ब्रैकेट एस इक्वल्स टू ट्वेंटी फर्स्ट इवेंट में हमें सब ऑड नंबर चाहिए था इसलिए ए इक्वल्स टू इन द करले ब्रैकेट 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97. टोटल सिक्सटीन पॉसिबिलिटी इसलिए एन इन द ब्रैकेट एक्ल्स टू सिक्सटीन अब हम उसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी इन द ब्रैकेट एक्ल्स टू एन इन द ब्रैकेट ए अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस ए का टोटल पॉसिबिलिटी सिक्सटीन टोटल सैम्पल स्पेस ट्वेंटी इसलिए सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी दोनों ही फैक्टराइज हो सकता है दोनों ही फोर टेबल में आते हैं सो फोर फोजा सिक्सटीन फोर फाइजा ट्वेंटी सो हमारा फाइनल आंसर पी इन द ब्रैकेट इक्वल्स टू फोर अपॉन फाइव सेकेंड वेंड में हमें मल्टीपल ऑफ फाइव चाहिए था मल्टीपल ऑफ फाइव कौन सा डिजिट होता है जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो या फाई होना चाहिए ये याद रखना जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो या फाई है वो फाइ का मल्टीपल होता है इसलिए बी इक्वल्स टू इन द करली ब्रैकेट ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव सेवेंटी फाइव नाइन्टी फाइव टोटल फोर पॉसिबलिटी इसलिए एन इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू फोर अब इसके बाद हम बी का प्रोबेबलिटी भी लिखेंगे टी इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट बी अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस बी का टोटल पॉसिबिलिटी फोर और टोटल सैम्पल स्पेस ट्वेंटी इसलिए फोर अपॉन ट्वेंटी ये भी फैक्टराइज हो सकता है फोर के टेबल में आते हैं फोर वन जा फोर फाइव ज़ा फोर वन जा फोर फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी इसलिए वन अपॉन फाइव तो हमारा फाइनल आंसर पी इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू वन अपॉइन फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव अ कार्ड इज स्ट्रॉन एटरेंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ अ वेल सफल्ड फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एज इवेंट वन एन एज इवेंट टू अ स्पेड यानी कि हमारे पास टोटल फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स है अब उसका हमें एज कार्ड जितने होंगे वो इवेंट वन में लिखना है और स्पेड कार्ड जो होंगे वो हमें इवेंट टू में लिखना है फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स का बेसिक इन्फो हमने फाइव पॉइंट वन के वीडियो में अटैच किया हुआ है अगर जिसको नहीं पता वो जाके फिर से एक बार देख सकता है जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एस इक्वल्स टू करके मेंशन नहीं किया हुआ है तो हमको फिफ्टी टू कार्ड्स वाले को टोटल uh, नंबर जो फिफ्टी टू कार्ड्स का है वो सब अलग अलग से मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है इसलिए हमने डायरेक्ट इसको एन इन द ब्रैकेट एस इक्ल्स टू फिफ्टी टू टोटल नंबर लिख देंगे हमारा फर्स्ट इवेंट था कि एस कार्ड मैंशन करना है एस कार्ड मतलब हुकुम का एक कार जनरली सब लोग बोलते हैं यानी कि उस पर कार्ड पे ए मेंशन होता है जैसे कि फोर टाइप्स के कार्ड होते हैं उन चारों में एक एक ए मतलब एस कार्ड होता है तो वो चारों को हमें यहाँ पे मेंशन करना है तो एन इन द ब्रैकेट ए मतलब टोटल हुकुम का एक कितना होता है फ़ोर तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी इन द ए इक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट ए अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस फोर अपॉन फिफ्टी टू दोनों फैक्ट्राइज होकर वन अपॉन थर्टी हो जाएगा सेकेंड में हमारा था स्पेड कार्ड जैसे कि हमारे पास फिफ्टी टू प्लिंग कार्ड्स में चार टाइप के कार्ड्स होते हैं उसमें से एक टाइप होता है स्पेड कार्ड टोटल थर्टीन कार्ड्स होते हैं इसलिए एन इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू थर्टीन लिख देंगे बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू एन इन द ब्रैकेट बी अपॉन एन इन द ब्रैकेट एस बी की टोटल पॉसिबिलिटी थर्टीन और टोटल सैंपल स्पेस फिफ्टी टू इसलिए थर्टीन अपॉन फिफ्टी टू लिखा हुआ है ये भी फैक्टराइज हो जाएगा दोनों ही थर्टीन के टेबल में आते हैं थर्टीन वन जो थर्टीन थर्टीन फोर जो फिफ्टी टू इसलिए हमारा फाइनल बी का प्रोबेबिलिटी पी इन द ब्रैकेट बी इक्वल्स टू वन अपॉइंट फोर आ जाएगा थैंक यू स्टूडेंट्स आस्क योर डाउट्स इन अ कमेंट सेक्शन